खबर में दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंगलवार को ही पूजन विधि शुरू हो गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, उनके स्वागत के लिए अयोध्या तैयार हुआ। इस बीच शंकराचार्यों के बयानों ने प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह करना सही नहीं, क्योंकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी आपत्तियों पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। सीएम योगी ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि तीर्थ क्षेत्र ने हर धर्माचार्यों को आमंत्रण भेजा है। मुझे लगता है कि अवसर श्रेय का नहीं है, मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूँ, सामान्य नागरिक हो या देश का बड़े से बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सबकी व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन राम तब भी थे जब ये परंपराएं नहीं थी, हर किसी को बोलने का अधिकार था। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि जो अभी नहीं आ पा रहे हैं वो आगे पधारें, हम सुनी बातों पर विश्वास नहीं करें। बता दें कि कर्नाटक के श्री श्रृंग गौरी शारदा पीठ, गुजरात के द्वारका शारदा पीठ, उत्तराखंड के ज्योतिर्पीठ और उड़ीसा के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्यों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं। उनका कहना है कि चुनाव को देखते हुए राम मंदिर के उद्घाटन में जल्दबाजी की जा रही है। इसको लेकर वीएचपी ने दावा किया कि श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ ने शंकराचार्य ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत किया। दोनों पीठ के शंकराचार्यों ने कहा कि वे खुश हैं और उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं है। तो लगातार राम मंदिर के नाम पर यहाँ पर राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार बढ़ चढ़ के यहाँ पर बयान कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष यहाँ पर बीजेपी को घेर रहा है कि बीजेपी इससे राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।